जिले भर में प्रथम पूज गजानन महाराज बुधवार को स्थापना बड़ी ही धूमधाम से की गई। 10 दिन तक चलने वाला यह त्योहार पूरे जिले में बड़ी ही श्रद्धा उत्साह पूजा एवं हर्ष के साथ शुरू हो गया है। भक्तों ने सुबह ही गजानन महाराज को गाजे बाजे के साथ जगह जगह स्थापित कर गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए नाचते गाते हुए उन्हें पंडालों तक पहुंचाया, जहां पंडितों ने विशेष मुहूर्त पर पंडालों में स्थापित किया। शहर में महाराष्ट्र की तर्ज पर रीवा के फोर्ट रोड स्थित सराफा मार्केट में महाराष्ट्र युवा क्लब के नाम से लोकप्रिय प्रथम पूज गजानंद जी महाराज का आगमन हुआ, जहाँ पर हजारों की भीड़ में उनका जोरदार स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी ही विशाल मूर्ति के साथ पंडाल को सजाया गया है। स्थापना के साथ ही भक्तों के दर्शन को यहां तांता लगा है। आपको बता दें कि ज्ञात होए कि कोरोना काल में 2 वर्ष तक लोगों ने गजानन महाराज की सेवा अपने मन और घर में ही करके संतोष व्यक्त किया, लेकिन जैसे ही कोरोना काल का खात्मा हुआ तो महाराज गणेश की कृपा हुई और पूरे जिले में जगह जगह हर कस्बे में गली मोहल्लों के साथ साथ घर में प्रथम पूज गजानन महाराज का आगमन है। आपको बता दें महाराष्ट्र युवा क्लब द्वारा 25 वर्षों से रीवा में गणपति की स्थापना की जा रही है। वहां महाराष्ट्र की प्रथा से सुबह शाम आरती की जाती है। जो ये मूर्ति जो है ये हम लोग जो है आज से विगत 35-40 साल से हम लोगों के बैठकी होती है और जो है हर साल जो है यहाँ पे बैठकी होती है सराफा बाजार में और बड़े उत्साह से यहाँ पे पूरे प्रोग्राम होते हैं। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण जो है यहाँ पे जो है हम लोग स्थापना नहीं कर पाए, तो इस साल जो है कोरोना के बाद जो है हम लोग इस साल स्थापना किए हैं गणेश जी की और बहुत ही उत्साह और आनंदित वातावरण में जो है इस साल हम लोगों का गणेश जी का कार्यक्रम होगा, जिसमें जो भजन और बहुत सारे प्रोग्राम ये होंगे और बहुत ही उत्साह से इस साल जो है हम लोग गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं।